नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पॉल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। आज हम देखेंगे कैसे LIC का पॉलिसी को कैसे प्रीमियम रिन्यूअल कर सकते हैं, मतलब LIC का प्रीमियम आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं किसी एनरोलमेंट पॉलिसी का। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं LIC। LIC टाइप करने के बाद सर्च करते हैं और पहला जो लिंक आया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो LIC का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विस के अंदर यहाँ पे कस्टमर पोर्टल में क्लिक करता हूँ। मैंने पहले से ये पोर्टल में मेरा पॉलिसी को रजिस्टर करके रखा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने रजिस्टर्ड यूजर में क्लिक करता हूँ। रजिस्टर्ड यूजर में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी ब्राउजर्स लिखा दिख रहा है। ऐसे ही कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं और ये पेज रिडायरेक्ट करके ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट रोल में कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, यूज़र आईडी और आपका जो रजिस्टर करके समय जो यूज़र आईडी जनरेट हुआ है वो दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड भी देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ देकर यहाँ पे साइन इन में क्लिक करने के बाद यस साइन इन हो जाएगा। मैंने ओल्ड वर्सन में लॉग इन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ओल्ड कस्टमर पोर्टल जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ऐसा ही एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको, तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी एंटर करता हूँ। और पासवर्ड भी एंटर करता हूँ। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ। और साइन इन में क्लिक करता हूँ। साइन इन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा 3 पॉलिसी एनरोल हुआ है, मैंने पहले से ही पॉलिसी को एनरोल करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर दिया हुआ है, पॉलिसी का डिटेल्स दिया हुआ है और यहाँ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और प्रीमियम ड्यू फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा जो पॉलिसी है यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है। मैंने जो थर्ड पॉलिसी है इस पॉलिसी को प्रीमियम देना चाहता हूँ, तो इसका प्रीमियम देने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट 6371 लिखा हुआ है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम में हम क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद चेक एंड पे जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ प्रीमियम जो अमाउंट है वहाँ दिख रहा है, उसके बाद जो लेट फी 100 रुपीज और 90% दिख रहा है और GST दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने चेक एंड पे में क्लिक करता हूँ। चेक एंड पे में क्लिक करने के बाद फिर से एक बार कॉन्फर्म होने के लिए ये विंडो दिख रहा है जहाँ पे पॉलिसी का अमाउंट लिख रहा हुआ है, उसके बाद चेक एंड पे में क्लिक करता हूँ। चेक एंड पे में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज पेमेंट गेटवे, यहाँ पे
तीन गेटवे दिया हुआ है, तो मैंने पहले जो गेटवे पहला वाला गेटवे उसको हम सिलेक्ट करते हैं, चेक एंड पे में फिर से एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड ये सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर को एंटर करना पड़ेगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग को थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेरा जो डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे सीवीवी नंबर भी डाल देता हूँ। और मेक पेमेंट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। फोन में एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी को यहाँ पे डाल देता हूँ। और सबमिट में क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है और यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है 6,474.18 rupees। यहाँ को इस रिसिप्ट को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ डेस्कटॉप में सेव हो रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं LIC और सेव में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आपका किसी भी LIC का प्रीमियम का अमाउंट आप घर से आपका ATM कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज करके भी दे सकते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी इस प्रोसेस का द्वारा आप आपका पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा अगले इस तरह एक वीडियो से।